हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं अनंतिका पायलट मशरूम फार्म में आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम आपको हमारे फार्म में जो नया क्रॉप चालू हुआ है वो दिखा रहे हैं। जो बैग्स हमने पिछले 18 दिन भरे थे, अभी ये नए बैग्स हैं। इनमें अभी चालू है माइसिलियम फैलना, ये भी नए बैग्स हैं, इनमें भी चालू है माइसिलियम फैलना। देखिए वाटर लेवल वगैरह अच्छा है, अच्छी तरह से माइसिलियम फैल रहा है। आज ये लाइव वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये जो बैग्स हैं ये अभी 18 दिन पहले ही लगाए गए बैग्स हैं और इनको पिनहेड आ चुके हैं। देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए कैसे झुककेदार पिनहेड आए हैं। ये देखिए कुछ बैग्स के मशरूम भी निकल आए हैं। ये देखिए इस रूम का टेम्परेचर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। टेम्परेचर है 27.8 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है 89%। जब पिनहेड निकल रहे होते हैं तब 80 के ऊपर ह्यूमिडिटी होना चाहिए हमेशा। ये ओल्ड बैग्स हैं जिनका एक एक क्रॉप हो चुका है और सेकंड क्रॉप के लिए इनकी पन्नियाँ निकाल दी हमने। ये देखिए इतने अच्छे अच्छे साजर काजू निकले हुए हैं। अभी इनका तोड़ने का टाइम हो चुका है। देखिए इनकी जो ये काट होती है कॉर्नर्स, ये ऊपर के साइड में हो रहे हैं, तो जैसे कि देखिए ये स्ट्रेट है और ये ऊपर हो गए, तो इनका तोड़ने का टाइम हो चुका है। और देखिए ये कितने अच्छे, इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, एकदम ड्राई है, स्मूथ है, सॉफ्ट है। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये ओल्ड बैग्स हैं, ये देखिए कितने अच्छे बैग्स हैं, इनको मशरूम आया है। तो फ्रेंड कंटिन्यूअसली देखिए ये नीचे से भी निकला है। हमारा जो हैंगिंग सिस्टम है इसमें हमने रॉड में हैंगर्स लटकाए और इसमें बैग है, एक एक लाइन में हम 6-6 बैग से यहाँ पे लटका सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए इसका बेनिफिट ये होता है कि ये आप जो मशरूम निकल रही है चारों तरफ से निकल रही है। देखिए नीचे से हो गया, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ऊपर से, आजू बाजू से, सब तरफ से निकल रहा है। अब ये बैग है, इनका भी फर्स्ट क्रॉप हो चुका है और सेकेंड क्रॉप के लिए हमने इनको छोड़ दिया है। तो सेकेंड क्रॉप के लिए कैसे करने का कि इनका जो आधा इंच का लेयर होता है इसके ऊपर का, इसको निकालने का यहाँ से ऐसे इस तरह आप कर सकते हैं, या फिर कुछ कोई नोकेली चीज ले सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आपको पानी स्प्रे करना है, इसके बाद ऐसा ऊपर का जो लेयर है वो सब निकल जाना चाहिए। लाइव वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं होती है, इस वजह से मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइव जैसा और उसके बाद में दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ऐसे बैग को अपन ने इसका आधा इंच का जो लेयर है ऊपर का वो निकाल दिया। इसके बाद में इस पर वाटर स्प्रे करना है, वाटर स्प्रे से वाटर स्प्रे करके उनको भिगोना है। ये अभी सारी बैग हमने इसी तरह आधा आधा इंच का जो है भूसा वो निकाल लिया है और उस पर अभी वाटर स्प्रे कर रहे हैं।
अच्छे बैगल ना मारो। ये देखिए कितनी बढ़िया क्वालिटी, एकदम बहुत बढ़िया। ऐसे अभी काट ऊपर हो गए हैं कॉर्नर, तो इनको तोड़ लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो लाइव सेशन है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें, नए वीडियोज के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कुछ शंका होगी, डाउट्स होंगे तो हमें कमेंट करें। आज यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।